बहुत बार मेरे पास लोग क्लिनिक पे आते हैं और बहुत परेशान होते हैं। वो मुझसे पूछते हैं, मैम हम उस डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने हमें नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए बोला, हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने हमें IUI के लिए बोला, तीसरे डॉक्टर ने हमें IVF के बारे में बोला, और हम और परेशान हो गए, हमें समझ ही नहीं आ रहा, शादी को इतना टाइम हो गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें या IUI के लिए ट्राई करें या IVF के लिए ट्राई करें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है, मैं एक इनफर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ। आप भी इस प्रॉब्लम में हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि इस पूरी वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि IVF क्या होता है, IVF किन पेशेंट्स के लिए सबसे बेस्ट होता है और किन पेशेंट्स में ये सबसे अच्छा सक्सेस रेट ला सकता है। इसको सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगी फीमेल कॉजेज में, फीमेल में ऐसी क्या क्या कारण हो जिसमें IVF करने की जरूरत पड़ सकती है, और मेल्स में ऐसी क्या क्या कारण है जिनमें हमें IVF की जरूरत पड़ती है। सो फीमेल की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओवेरियन डिसऑर्डर, मीन्स PCOD। PCOD तीन तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर। माइल्ड और मॉडरेट वालों को IVF की बहुत बार ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिवियर PCOD वाले पेशेंट्स में, जिनमें AMH 7, 8, 9 होता है, ऐसे पेशेंट्स में बहुत सारे एग्स बन जाते हैं और एग्स जो हैं वो डेवलप नहीं होते। अगर एग मैच्योर नहीं होंगे तो बेबी नहीं बनता, तो ऐसे पेशेंट्स में IVF वाले इंजेक्शंस हमें देने पड़ते हैं, IVF हमें करना पड़ता है। इन इंजेक्शंस के साथ हमें एग्स को आर्टिफिशियली तैयार करना पड़ता है, सो ऐसे पेशेंट्स में IVF का सक्सेस काफ़ी अच्छा आ सकता है। सेकेंड, जिनमें एग्स बहुत कम हो, अगर किसी कारण से, किसी सर्जरी की वजह से या जेनेटिक रीजन से प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो जाए, यानी कि ओवरी टाइम से पहले काम करनी बंद कर जाए, यानी कि अंडे बॉडी में बनना बंद हो जाए, ऐसे पेशेंट्स में भी टेस्ट ट्यूब बेबी IVF से सक्सेस बहुत अच्छा आ सकता है। नंबर थर्ड, अगर किसी को सिवियर एंडोमेट्रोसिस हो, एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप जल्द से जल्द IVF कराओ। किसी किसी को नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो जाती है एंडोमेट्रोसिस में, बट बहुत बार ऑलमोस्ट 80% लोगों को, एंडोमेट्रोसिस वालों को, मॉडरेट या सिवियर एंडोमेट्रोसिस वालों को IVF की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट, अगर जो ओवरीज हैं वो बचपन से ही स्ट्रीक ओवरीज हों, यानी कि बहुत बार जेनेटिक कंडीशंस होती हैं कई बार किसी बच्चों के अंदर ओवरीज बनती ही नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में भी आगे चल के IVF ही कराना पड़ता है। नेक्स्ट कारण आता है ट्यूब्स का कारण, अगर दोनों ट्यूब्स फीमेल की बंद हो, ट्यूबल ब्लॉक हो, आपने HSG कराई और डॉक्टर ने आपको बोला कि ट्यूब्स बंद हैं। सब ट्यूब्स बंद होने पे सबसे पहले एज के कंपैरिजन में हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर किसी की एज 35 से कम होती है तो हम ट्यूब्स ओपन करते हैं। अगर ओपन करने के, ऑपरेशन करने के बाद भी ट्यूब्स ना ओपन हो तो हमारे पास IVF ही एक लौता ऑप्शन बन जाता है। बट अगर 35 ईयर्स अगर फीमेल की एज है और उसके बाद हमें पता चला है उन्होंने किसी कारण से लेट प्लानिंग करनी स्टार्ट करी है और 35 के बाद हमें पता चल रहा है कि ट्यूब्स बंद हैं, तो हम टेस्ट ट्यूब बेबी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन ट्यूब्स को ओपन करना। सेकेंड, ट्यूब्स में अगर पानी भरा हो या पस भरा हो, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोसेल्फिंग, ट्यूब्स ओपन ना हो, ट्यूब्स खराब हो, किसी भी कारण में हमें टेस्ट ट्यूब बेबी से ही सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। थर्ड, एब्सेंट ट्यूब्स हो, बहुत रेयर डायग्नोसिस है कि ट्यूब्स बनी ही नहीं हो, तो ऐसे पेशेंट्स में भी टेस्ट ट्यूब बेबी ही बेटर रहता है। नेक्स्ट, यूट्राइन कॉजेज, अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारे बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स हो, नेचुरल प्रेगनेंसी ना हो रही हो और बहुत टाइम हो गया हो, अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी हो, समझ ही ना आ रहा हो कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं हो रही, किसी भी कारण से एग और स्पर्म मिल नहीं पा रहा, तो हमारे को टेस्ट ट्यूब बेबी करना पड़ता है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में IVF का सक्सेस बहुत अच्छा आता है। अनएक्सप्लेन्ड को हम बहुत देर तक नेचुरल ट्रायल देते हैं, IUI ट्रायल देते हैं, और अगर ना प्रेगनेंसी हो तो फिर प्रेफर ट्रीटमेंट टेस्ट ट्यूब बेबी ही रहे। अब हम बात करेंगे मेल कॉजेज। मेल कॉजेज में सपोज किसी का स्पर्म काउंट निल हो, मीन्स अगर नॉर्मल सीमन के अंदर स्पर्म काउंट निल होगा तो प्रेगनेंसी या तो डोनर IUI के साथ हो सकती है या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ किया जाए। अब हम बात करेंगे क्या ऐसे कारण हैं मेल्स में देखे गए जिनमें टेस्ट ट्यूब बेबी से बहुत अच्छा सक्सेस आता है। अगर स्पर्म काउंट निल होता है तो हमारे को IUI करना पड़ता है।
आईयूआई कई बार डोनर स्पर्म से करना पड़ता, बार बार आईयूआई डोनर अगर हम कर रहे हों, दो या तीन बार हमने आईयूआई डोनर कर दिया हो और फिर भी सक्सेस नहीं आ रहा हो, तो प्रेफर्ड ट्रीटमेंट आईवीएफ डोनर हो। सेकेंड, अगर हस्बैंड का स्पर्म काउंट 15 मिलियन से कम हो, 15 मिलियन के ऊपर नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है, ये एक WHO का क्राइटेरिया होता है, अगर 15 मिलियन से स्पर्म कम हो तो नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सो अब हम बात करेंगे ऐसे क्या क्या कारण मेल्स में देखे गए हैं जिसमें IVF से सक्सेस अच्छा आ सकता है। नंबर वन, अगर हस्बैंड का स्पर्म पेशेंट्स में हमारे को IVF डोनर से काफ़ी अच्छा सक्सेस मिलता है। अगर आप इनमें से किसी भी कारण से परेशान हैं और मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझसे जम्मू में मिल सकते हो, आप मुझसे गुड़गांव में मिल सकते हो, आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हो, या आप मेरे से वीडियो कंसल्ट कर सकते हो।